अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के टूरिज्म से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको भारत के कुछ ऐसे शानदार महलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अब लग्जरी होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। भारत वैसे तो एक ऐतिहासिक विरासत वाला देश है जहां कई महलों में इतिहास की ना जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं। देश किलों व महलों से भरा पड़ा हुआ है और हर महल अपने आप में कला व संस्कृति की निशानी है जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इतिहास प्रेमी जहाँ इतिहास के पन्नों से रूबरू होने के लिए यात्रा करते हैं तो वहीं मनोरंजन प्रेमी पर्यटकों का आनंद लेने के लिए यहाँ की सैर करने आते हैं। भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक विरासत वाले शानदार महल हैं जिन्हें अब होटलों में तब्दील कर दिया गया है। ये सभी महल अब लग्जरी होटल्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ ऐसे ही शानदार महल यानी लग्जरी होटल्स जिनको आप देखने के लिए जाना चाहेंगे उनके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं, जहां पर जाकर आप वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं और एक यादगार लम्हा बना सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक उम्मेद भवन पैलेस अपनी विरासत व ऐतिहासिक धरोहर होने के कारण पर्यटकों को दूर से ही लुभाता है। इस भवन को महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था जिसे उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स लंदन के अध्यक्ष रहे आर्किटेक्ट एच यू लंचेस्टर से डिजाइन करवाया था। हालांकि अब इस महल को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहले में जहां राज परिवार रहता है तो दूसरे में आलीशान होटल है और तीसरे में संग्रहालय है जिसमें पुरातन की कई निशानियां संग्रहित हैं। लेक पैलेस। इस महल को महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। हालांकि अब ये महल 5-स्टार होटल में तब्दील हो चुका है। इस महल की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है और यहाँ पहुँचने के लिए मोटर बोट, नाव आदि की सुविधा हर समय उपलब्ध रहती है। चांदनी रात में पिछोला झील में बोटिंग करने का अपना अलग ही मजा है। सामोद। इस विशाल ऐतिहासिक इमारत को अब होटल में तब्दील कर दिया गया है जो अपने कलात्मक शैली नक्काशी के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप इस आलीशान होटल की सैर कर सकते हैं। ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई के आकर्षणों में से एक है ताजमहल पैलेस जो कि अपनी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भी एक ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस होटल को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही बनाया गया है। इंपीरियल होटल नई दिल्ली। संगमरमर का फर्श, ऊंची छत, बर्मी टीक फर्नीचर वाली यह शानदार कोठी 5-स्टार होटल के नाम से जानी जाती है। शांत वातावरण, प्राकृतिक उद्यानों के बीच यहाँ पर स्पा लेने का मजा ही दोगुना है। जय महल पैलेस जयपुर। अरबी वास्तुकला और महीन कलाकृति वाली यह ऐतिहासिक इमारत जयपुर के आलीशान इमारतों में से एक है। हालांकि अब इस इमारत को एक शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया है। ललित ग्रेट ईस्टर्न कोलकाता। एशिया का पहला लग्जरी होटल ललित ग्रेट ईस्टर्न को पूर्व का गहना भी कहा जाता है। यह होटल कई वर्षों से दुनिया भर के मशहूर हस्तियों का पसंदीदा रहा है। रामबाग पैलेस। कहा जाता है कि रामबाग पैलेस प्राचीन समय का एक बाग था जिसे रानी ने अपनी दासी को भेंट में दे दिया था। अब इस महल को एक शानदार होटल में तब्दील कर दिया गया है जो कि बहुत ही दर्शनीय है। फॉर्चून सिवाय मसूरी। फॉर्चून सिवाय मसूरी का एक बेहद शानदार होटल है जो अपने आकर्षक दृश्यों से पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। यहाँ का वातावरण बेहद ही शांत और सुकून भरा है। कुमारकोम लेक रिजॉर्ट। केरला का कुमारकोम लेक रिजॉर्ट भारत में बेहतरीन लग्जरी विरासत रिजॉर्ट्स में से एक है। यह केरला के वेमदानंद झील के तट पर 25 एकड़ में फैला है और यहाँ पर्यटकों को शांत वातावरण का एक बेहद ही खूबसूरत एहसास मिलता है जिसे वह सुकून महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से इन लग्जरी होटल्स में जाकर आप बेहतरीन सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही साथ भारत की ऐतिहासिक विरासत वाली इतिहास से भरे कुछ महलों को भी देख सकते हैं। अगली बार इस कार्यक्रम में किसी और नई जानकारी के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।